सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड रेगुलेटरी बॉडीज एंड टूड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो यू ऑल वुड बी नोइंग अबाउट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हु डेवलप्स इट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम राइट एंड टूडे वी विल सी दैट लेटेस्ट जो आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आया है विल सी द फाइंडिंग्स विल सी वॉट आर द इम्पोर्टेंट रिस्क विच आर एसोसिएटेड ओके सो लेट्स क्विकली डाइव इन टू इट सो इशू क्या है सिंपल आप सबको पता ही होगा

इकोनॉमिक क्राइसिस इट मे बी एनी अदर रिस्क रिलेटेड सिचुएशन इंसिडेंट इट इज सच दैट मोस्ट ऑफ दीपल आर आउटलुक हाउ आर वी सींग दिस इन नेक्स्ट टू ईयर रिपोर्ट ने यह देखा है कि जिन भी लोगों का परसेप्शन सर्वे लिया गया है इस टू ईयर्स में मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव द पीपल है

सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल ठीक है आगे बढ़ते नाउ व्हाट आर द रिस्क विच वी फेस्ड इन ठीक है ये तो हमने ओवरऑल मेजर सेक्शंस देखे जिसमें रिस्क है अभी हम इनडेप देखेंगे व्हाट आर द रियल रिस्क फेस्ड बाय द वर्ल्ड पहला है आपका एनर्जी सप्लाई क्राइसिस एनर्जी सप्लाई क्राइसिस इन द सेंस हाउ डिफरेंट डिफरेंट मे बी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और डिफरेंट अदर कॉजेस आर एसोसिएटिंग विद

नेचुरल गैस भी यहां पर इतना एक्सपेंसिव हो गया था कि लोगों के पास पास फ्यूल नहीं था घर का खाना बनाने के लिए नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस टेक एग्जांपल ऑफ म्यांमार, श्रीलंका आप पाकिस्तान का भी ले सकते हो सूडान का ले सकते हो सीरिया का ले सकते हो और आप वेनेजुएला का भी ले सकते हो ठीक है ऑल वेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज हाई रीजंस वेर डिफरेंट ठीक है रीजंस अलग-अलग थे कंट्रीज

तो इसी के बेसिस के ऊपर आपकी डेमोग्राफिक बाइफरकेशन थ्योरी सेज दैट ऑलवेज पॉपुलेशन इंक्रीज वुड बी इन लीनियर और एक्सपोनेंशियल पैटर्न बट ऑफ कोर्स देयर वुड बी सर्टन नेचुरल एक्सटर्मिनेंट्स और मे बी नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर्स व्हिच विल ऑलवेज कीप द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी इन कंट्रोल फॉर एग्जांपल कोविड 19 का ले लो ठीक है तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही थी वी इवन सरपास चाइना बट देन इवन वी फेस्ड कोविड 19 एंड स्टेटिस्टिकली वी कंट्रोल द पॉपुलेशन कोविड नाइनटीन की वजह से बहुत सारी डेथ टोल इतना हो गया कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई ठीक है तो सिमिलरलीमोग्राफिकेशन थियोरी ओवरऑल आपका जो डेमोग्राफी होता है फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंट इन इंडिया डेमोग कोरिया डेमोग्राफिक डिविडेंट इन जापान इन जापान डेमोग्राफी इज एजिंग इन साउथ कोरिया इन नेक्स्ट टू डी देर वुड बी नो नेक्स्ट न्यू जनरेशन इन इंडिया वी आर है रिच एंड राइपन डेमोग्राफिक डिविडेंट इन चाइना हाउ द डेमोग्राफी टू बी फ्लक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन टेन ईयर्स बिफोर आई वॉज यूजिंग वर्ड एक्सेल सिंपल सिंपल चीजें कंप्यूटर पे कर रहा था और आज मैं ए आई के बारे में बात कर रहा हूं आईम टॉकिंग अबाउट ए आई ऑटोमेशन एंड वेरियस अदर टेक्नोलॉजिकल एट्रीब्यूट

if you talk about overall asia, then china and india are at loggerheads. if you talk about soft power, india again comes at the top. so in this way, geopolitical scenario can consider what is the situation which is happening in south china sea, in north arctic region, okay, north arctic passage. maybe then also talking about the syrian crisis, maybe talking about israel-palestine issue, maybe even talking about the african crisis or even your migration crisis which happens in eu.

सोसाइटल पॉलिटिकल पोलराइजेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है तो ये पांच चीजें हैं देखते हैं डेप्थ में। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल रिस्क आप सबको पता होगा we, we 2014, अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम आपका क्लाइमेट वेदर वॉज एसोसिएटेड विद मॉन्सून द मॉनसून वॉज सो पुअर दैट इंडिया है Great Godzilla, this was Great Godzilla, what El Nino Southern Oscillation. Now, after 2014, that means after almost 10 years in 2024 or 2023, we have again seen the worst of monsoon which will hit for five year low because of the next big El Nino which is going to come up in the future. The other is 2023 has been the warmest year on the earth. So here you could see that how environmental risk it may be related to your monsoon or rainfall, it may be related to your extreme climates like cyclones, extreme climates related to your heat waves and your temperature, sea level rise, all these are associated with the environmental risk. Okay? Next. Misinformation and disinformation.

ऐसे कहता है कि इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इज द ऑयल ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड दैट इज वेरी ट्रू वेन यू लुक एट दिस रिस्क इज एसोसिएटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कैन ड्राइव यूर नॉट जस्ट नॉर्मल थिंग्स वन क्लिक ऑफ व्हाट्सएप वन क्लिक ऑफ इंस्टाग्राम वन क्लिक ऑन द सोशल मीडिया कैन एक्चुअली चेंज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस एंड देयर फॉर चेंज यूर नेशनल गवर्नमेंट तो इतना ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है

right wing polarization in uh, your middle eastern region, so Isis or maybe religious polarization okay so in Asian region of course here also you will see different types of polarization in European Union you will see of course protectionism, that kind of polarization itself so overall the societal polarization says that the world has been divided into societal and economic polarization in which Extreme standpoint has been taken by either group of government, a community, or maybe different people. Okay, extreme standpoint in the sense which is differentiating or delineating themselves from the other community which are showing variations or which are different. Okay, cost of living crisis associated with. If your unemployment society is hai, inflation is uh, the income which you are earning that is not good enough. So all these factors, even geopolitical issues like war. ठीक है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल दीज आर एसोसिएटेड एट द एड विध मेन प्रॉब्लम ऑफ 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 कॉस्ट लिविंग क्राइसिस यू यू कैन कैन टेक टेक इन सीरिया बिकॉज वॉर प्रॉब्लम्पल पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स इन योर वेनेजुएला सो इन दिस वे ऑल दीज एट द एंड ऑल दीज कंट्रीज आर फेसिंग नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन द सेंस दिन का जो खर्चा करना है उसके लिए भी पैसे नहीं है आपके पास सो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ट्वेंटी में सबसे हाइएस्ट है किसने कहा है आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या कहता है सिंपल जो हम टेन ईयर्स बिफोर वॉट एवर द टेक्नोलॉजी वॉज ग्रोइंग टूडे द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग मच मोर फास्टर देन द प्रीवियस टाइम्स यू कुड सी दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टेक्नोलॉजी Cyber attacks growing day by day. This shows that technological advances have been very, very accelerating. Okay, vulnerable now because of these technological advances. All the countries, communities are also at a vulnerable, uh, vulnerable stage. Okay? so this was about technological advances. Human development at risk. All these factors which we now talked about. These factors may also.

इट इज वेल सेड दैट कि सीरिया में एक टाइम का खाना भी मिल गया तो बहुत ज्यादा है ठीक है सो दिस इज हाउ योर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट शोज दैट हाउ द आउटलुक इज देर जस्ट इमेजिन यू टेक बर्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू टेक इट इन सीरिया और मे बी यू टेक इट इन धारावी इन मुंबई हाउ विल बी यूर एक्सपीरियंस यूर आउटलुक एंड यूर अप्रोच मेन्शन इन द कमेंट सेक्शन इंटरस्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट पर आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस इजराइल पैलेस्टीन वॉर का एग्जाम्पल जरूर ले सकते हो

हाउ जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूएस एंड चाइना वेरी क्लोजर ठीक है हाउ दाइज बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान बी कमिंग सोर पाकिस्तान चाइना ओके सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स हाउ आइडियोलॉजी एंड जियो इकोनॉमिक डिवाइड प्लेस ऑन द ग्लोब लास्ट इज वॉट आर द टॉप टेन रिस्क एसोसिएटेड इन टू ईयर्स एंड टॉप टेन रिस्क एसोसिएटेड इन टेन ईयर टू ईयर में अगर मैं कहूँ आपसे तो यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है इस दो साल में यहां पर मिस इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज द रैंक वन यहाँ पर दे आर मोर कंसर्न ऑन क्लाइमेटिक चेंज और मे बी योर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विच आर हैपनिंग ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिन ईयर्स रिस्क दे है टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर निगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पर फ्यूचर में कंसिडर करने के लिए रेडी है दीज आर ऑल द टेन फैक्टर्स दीज ऑल्सो यू हैव टू रेड बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ओके सो विल एंड द सेशन ईयर ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट थैंक यू सी यू नेक्स्ट टाइम